जब कोई व्यक्ति सफलता के सोपान चढ़ता है तो उसके पीछे उसके संस्कार, उसका साहस, उसकी शिक्षा और उसके जो निर्णय होते हैं वो होते हैं। एक ऐसे ही शख्स इस वक्त हमारे साथ में है जिन्होंने बहुत कम समय में सफलता अर्जित की है, हालांकि उसके पीछे उनका बड़ा संघर्ष है, उस पर हम बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी जो उपलब्धि है वो है वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड। जी हाँ, हमारे साथ में है वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड के प्रेसिडेंट, सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट संतोष शुक्ला जी। संतोष जी, शुरुआत हम चाहेंगे कि वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड से की जाए, क्योंकि इन दिनों वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड पूरी दुनिया में, लंदन से शुरू होकर पूरी दुनिया में फैल गया है। ये शुरुआत कैसे हुई, लंदन से कैसे शुरुआत हुई? वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड के चेयरमैन डॉक्टर दिवाकर शुक्ला जी और वीरेंद्र शर्मा जी, मेंबर ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट, दिवाकर शुक्ल जी ने एक जिम्मेदारी दी और मैंने उनसे एक रिक्वेस्ट किया कि आप मुझे इंडिया का काम दीजिए और उस काम को मैं बखूबी निभाऊंगा और आगे बढ़ाऊंगा। 2 साल पहले मुझे इंडिया का काम मिला, भारत का काम मुझे मिला वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड का, और धीरे धीरे मैंने उसको लोगों को बताना शुरू किया। और सबसे पहले शुरुआत मैंने जितने भी हमारे राज्य हैं उनके मुख्यमंत्री और राज्यपाल से की, उसके बाद केंद्रीय मंत्रिमंडल के अंदर उसको सामने लाए और धीरे धीरे प्रशासनिक नज़रियों में भी उसका इस्तेमाल होने लगा। इस्तेमाल शब्द इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये सब उपलब्धियाँ होती हैं और बहुत से ऐसे अधिकारीगण भी होते हैं, बहुत सारे IPS, IAS और IRS, IFS मंत्री और समाजसेवी, NGO, पूरे हमारा जो व्यवस्थापिका है, न्यायपालिका है और कार्यपालिका है जिससे हमारा देश चलता है, उसके अंतर्गत जितने भी लोग काम करते हैं कहीं न कहीं उनके अच्छे कार्यों को हम सबके सामने लाते हैं और सबको बताते हैं। तो वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड का जो मूल उद्देश्य था कि अच्छे कार्यों को, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, अगर हमारी नज़र में एक गांव के अंदर अगर कोई बच्चा या कोई छोटी बच्ची अगर यूनिक काम कर रही है तो उसको भी हम पूरी दुनिया में उसी तरीके से बताते हैं। और अगर हमारे देश के सर्वोच्च स्तर पर प्रधानमंत्री जी या राज्यपाल जी भी अगर, या मुख्यमंत्री जी भी अगर इस तरह से कुछ अच्छा काम कर रहे हैं तो उसी लेवल पर हम उसको भी आगे बढ़ाते हैं और बताते हैं। वो कौन से ऐसे अवार्ड हैं जो जिन्हें देते हुए आपको गौरव महसूस हुआ? अभी तक हमने जो मेरे माध्यम से अवार्ड दिए गए हैं लगभग 128 आज के दिन तक दिए गए हैं। 2 दिन पहले ही हमने कपिल शर्मा शो में हमने दिया, और बड़ा सावधानी बरतनी पड़ती है कि हमारे हाथ से कोई गलत अवार्ड न चला जाए। और चूंकि एडवोकेट होने के नाते मैं और मेरी टीम पिछले 10-15 दिनों तक उस पर काम करती है, हर एंगल को देखती है, जांचती है कि, और हमें डर भी रहता है कि हमारे हाथ से कोई ऐसा गलत अवार्ड ना चला जाए कि जिसमें हमारे देश की बदनामी हो और हमारी बदनामी हो, और कहीं ना कहीं जो हमारे वरिष्ठ हैं उनको हमारे ऊपर उनको विश्वास हमारे ऊपर कम हो। तो उसका बखूबी से पालन करते हुए 2 सालों में करीब 128 अवार्ड हम एशियन कंट्रीज़ में हम दे चुके हैं। और आपने कहा कि गौरव की बात, तो गौरव के पल तो हर अवार्ड में होता है। मेरी नज़र में तो हर अवार्ड की अपनी एक स्टोरी है, क्योंकि जब हम रिकॉर्ड में ले रहे हैं या ऑनर में ले रहे हैं या लिस्टिंग में ले रहे हैं तो हर रिकॉर्ड अपने आप में एक स्टोरी होती है, और मेरे जहन में वो सब कुछ आ जाता है। अब उसमें मैं कैसे आपको बताऊं कि मेरे लिए तो हर अवार्ड के अंदर उतनी ही मेहनत है, चाहे वो किसी ऊपर वाले व्यक्ति के लिए हो रही हो, चाहे वो सब निचले स्तर पे अच्छा एक बच्चा काम कर रहा है। मुझे खुशी की बात यह है कि नागदा से एक बार मेरे ऑफिस में एक ग्रामीण परिवेश से 2 बच्चे लेकर, छोटे छोटे 2 बच्चे थे, एक व्यक्ति आए और उन्होंने कहा कि ये 2 बच्चों का नाम हमें वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल करना है। तो फिर मैंने पूछा कि आखिर इनमें ऐसी क्या खूबी है? तो इन्होंने कहा इन 2 बच्चों ने दोनों हाथों से श्रीमद् भागवत गीता, रामायण और काफ़ी ग्रंथ लिखे हैं। तो मैंने कहा चलो शुरुआत करते हैं, कुछ लिख के बताइए। और फिर हमने हमारी टीम के साथ में उनको 10-15 पेज हमने लिखवाए और वो बखूबी उर्दू भी लिख रहे थे, बखूबी हिंदी भी लिख रहे थे, इंग्लिश भी लिख रहे थे। मुझे आश्चर्य ये हुआ कि ग्रामीण परिवेश था, उस ग्रामीण परिवेश के बच्चे होने के बाद भी वो अपना काम कर रहे थे। तो मुझे खुशी उसमें भी होती है, मुझे खुशी
मोदी जी के द्वारा जो प्रमाण पत्र दिया गया, नरेंद्र मोदी जी के द्वारा भी दिया गया, गवर्नर हाउस हमारे मध्य प्रदेश में आनंदीबेन पटेल जी को 3 बार वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में उनका नाम शामिल हुआ उसमें भी होती है, राजभवन को हमने सम्मिलित किया उसमें होती है, तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी को कई मौकों पर वर्ल्ड रिकॉर्ड में नवाजा गया उसमें भी होती है। तो मेरे लिए वो आकलन करना वो नहीं है कि वो प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री या राज्यपाल हैं, मेरे लिए तो एक सामान्य नागरिक भी अगर अच्छा काम कर रहा है तो वो भी मेरे लिए खुशी का बात है। हम कुछ सीधे सवाल करना चाहेंगे आपसे, लगातार जब सफलताएं की सीढ़ी अब चढ़ते जा रहे हैं, लेकिन दुनिया में कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने इस पर प्रश्न उठाया है, वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड को लेकर प्रश्न उठाया है, उसकी सच्चाई को लेकर प्रश्न उठाया है, उनके लिए क्या जवाब देते हैं? उनके लिए जवाब ये होता है कि अभी कुछ ही दिन पहले बहुत से प्रश्न उठते भी हैं, क्योंकि काम ही ऐसा है कि प्रश्न उठने लायक काम होता है, हम रिकॉर्ड में लेते हैं, ऑनर में लेते हैं या लिस्टिंग में लेते हैं, तो हमारी टीम सबसे पहले होमवर्क बहुत स्ट्रांग करती है, इसीलिए हम हर चीज़ का जवाब दे पाते हैं। जवाब उठाने वालों में अभी कुछ ही दिन पहले एक स्वतंत्र कथित पत्रकार हमारे कार्यालय पर आए थे, मैं नाम नहीं लूँगा, और अपने आप को बहुत बड़ा न्यूज़ पोर्टल का या न्यूज़ का उन्होंने अपने आप को संवाददाता बताया, और मैंने यूं ही बड़ी आसानी से उनके साथ चाय पीते हुए सारी चीज़ें बताई, क्योंकि जहां पर सच्चाई होती है, जहां सब चीज़ें होती हैं, उसको बताने में कोई हर्ज नहीं होता है। और उस तरह के उनके सवाल थे, आप कहां से आए, कैसे आए, आप किस गाँव के हो, आपने कॉन्वेंट स्कूल में एजुकेशन क्यों नहीं की, या फिर आपके दिमाग में ये सब चीज़ें कैसे आया और आप इन सब चीज़ों को कैसे कर लेते हो, क्या ये बीजेपी समर्थित ही अवार्ड आप लोग देते हो या कांग्रेस को भी देते हो, ऐसे बहुत सारे सवाल थे। उनके जवाब भी मैंने बड़ी आसानी से दिए कि वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड के अंदर 2 साल से ये दायित्व तो मेरे पास है प्रेसिडेंटशिप का, और दोनों साल में बीजेपी की सरकार मध्य प्रदेश में भी थी और केंद्र में भी थी, तो स्वाभाविक है कि जहां सरकारें होंगी, चाहे वो बीजेपी की हो या कांग्रेस की हो, अगर वो कोई उपलब्धि करेंगी और ऐसी उपलब्धि करेंगी कि उनको रिकॉर्ड में सम्मिलित किया जाना चाहिए, तो स्वाभाविक है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकारों को भी अवार्ड के अंदर हमने शामिल किया, और जहां सरकारें भारतीय जनता पार्टी की नहीं है, जैसे हमने सिक्किम के मुख्यमंत्री चामलिंग जी का नाम दर्ज किया, तो नेपाल के अंदर हमने काफी अवार्ड हमने दिए हैं, प्रधानमंत्री को दिए हैं, ऐसे कई कार्यों को, नेपाल में तो 3 प्रधानमंत्री को एक मंच पर आप लेकर आए। हाँ, नेपाल के अंदर हमने 3 प्रधानमंत्री, 2 पूर्व एक वर्तमान शर्मा जी के माध्यम से हमने अवार्ड दिए हैं, माउंट एवरेस्ट की सतह पर बेस कैंप 3 पर हमने अवार्ड दिए हैं, तो इसी तरीके से यूनिक काम करने का लक्ष्य लिए हुए हैं और उस पर सतत हम चल रहे हैं। अब वो चाहे कोई कुछ भी कहे, उससे कोई मुझे मेरे एडवोकेट होने पर ही सवाल उठा दिया जाता है कभी कभी, तो मुझे बड़ी सफाई से ये भी कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट जो है संतोष शुक्ला पर प्रश्न है। नहीं, दीक्षित जी सुप्रीम कोर्ट तो छोड़ो, हम तो जिला न्यायालय तक का कह दिया भाई, जिला न्यायालय के भी एडवोकेट नहीं हो, पर जहां सच्चाई होती है वहां इन सब चीजों के लिए कोई जगह नहीं होती है, और वो बखूबी, और अच्छा, एडवोकेट न होने की खबर भी छपी नेपाल में, भारत में तो छपी नहीं, और नेपाल के काठमांडू के किसी अखबार के माध्यम से मुझे पता चला, तो फिर मैंने पूरा दस्तावेज के साथ में मैंने उस रात को, क्योंकि कहीं ना कहीं थोड़ा दुख भी पहुंचता है, और मैंने लगभग 1000 व्हाट्सएप किए होंगे सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स को और हमारे हाई कोर्ट्स के एडवोकेट्स को, और पूरी दुनिया के अंदर जहां भी हमारे क्लाइंट थे वहां सबसे पहले मुझे मेरी सफाई देनी पड़ी, लेकिन सब ने मुझे सराहा कि सर आप सफाई के लिए नहीं हैं, आपका 20 साल का काम हमने देखा हुआ है कि आपके ऊपर इस तरह का किसी प्रकार का कोई भी दाग नहीं है, और मुझे मजा आता है क्योंकि वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड हो या अल्मा परिवार हो, ये 5 लाख लोगों का विश्वास ही हमारा परिवार है, उसमें मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, चूंकि ठीक है एक बहुत बड़े ब्रांड के साथ हमारा ब्रांड आगे बढ़ रहा है, तो बहुत सारी चीजें और भी आएंगी। तो जी मैं माफी चाहूंगा, शुरुआत आपने अल्मा से आपने शुरुआत की थी, वहां से अल्मा क्या है बेसिकली, या इसके पीछे मोटो क्या है, और आप एक इसकी मैगजीन भी है जिसे आप मंथली में जी जी अल्मा लेटिन का शब्द है जी, अल्मा मेटर से बना है जी, इसका शाब्दिक अर्थ हिंदी में होता है गुरुकुल, जहां पर अच्छी शिक्षा दी जाए या अच्छा राह दिखाया जाए, अल्मा मेटर से अल्मा शब्द बना है जी,
और 2001 8 अगस्त 2001 को एल्मा की शुरुआत हुई और इसको सबसे पहले हमने बेसिक एजुकेशन कंप्यूटर एजुकेशन से लिया और हमने इसकी शुरुआत दिल्ली के श्रम क्षेत्र में शुरुआत किया और धीरे धीरे 28 राज्यों के अंदर एल्मा के कंप्यूटर सेंटर्स हमने खोले और कंप्यूटर शिक्षा न्यूनतम शुल्क में शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में कंप्यूटर शिक्षा देने का काम किया और धीरे धीरे एल्मा ने अपना विश्वास 20 साल तक बनाए रखा और आज भी बनाए हुए हैं। और इसी सब कार्यों को देखते हुए उसमें जहाँ तक मैं काम कर रहा था तो चेयरमैन के नाते पंडित विष्णु प्रसाद शुक्ला जी ने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया, वाइस चेयरमैन के नाते प्रोफेसर डॉक्टर राजीव शर्मा जी ने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया, जस्टिस कोकजे जी जो हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल रहे हैं उन्होंने भी बहुत सपोर्ट किया। सपोर्ट करने वाले, सपोर्ट का मतलब मैं किसी पैसों से बात नहीं कर रहा हूँ, सपोर्ट का मतलब मुझे सही मार्गदर्शन और अच्छा काम करने के लिए प्रेरित करने से भी होता है। और काफ़ी बड़े लोगों ने मुझे सपोर्ट किया, चाहे वो मुरली मनोहर जोशी जी हों, राजीव शुक्ला जी हों, कलराज मिश्रा जी हों, और काफ़ी बड़े नाम हैं और काफ़ी बृहद हैं और कहीं ना कहीं उनका सबका विश्वास बना रहे और आगे भी बना रहे, इसीलिए हम ये सब काम कर रहे हैं। अब मेरे पास वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड की बागडोर है, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ये समय जो 5 साल का मेरे पास मिला हुआ है जिसमें 2 साल मेरे पूरे हो रहे हैं, 3 साल बखूबी और आगे करूँ और बेहतर से बेहतर रिजल्ट में दूँ लंदन की टीम को। संतोष जी, अमूमन ये होता है कि जब आप पर आरोप लगते हैं, जब कोई विरोध करता है, जब कोई कटाक्ष करता है, तो बहुत स्वाभाविक है कि आदमी टूट जाता है जी। लेकिन आपके देखा गया है आपको कि आप जब भी आप पे कोई आरोप लगता है तो आप उसी तह तक जाते हैं, उसका जवाब देते हैं पूरे पुरजोर जी। इसके पीछे ताकत क्या मानते हैं? ताकत तो ये होती है कि हमारे देश में सबसे बड़ी ताकत किसान की ताकत होती है जी। और ग्रामीण परिवेश में रहने वाला किसान परिवार, वो उसका जुझारूपन बचपन से इतना होता है कि जब वो शहर में आता है तो वो बचपन से ही गांव में इतना सब कुछ देख लेता है कि उसे शहर की कोई भी बातें से कोई फर्क नहीं पड़ता। और यही हमारी ताकत है कि हिंदुस्तान के ग्रामीण परिवार से निकलकर शहरों में अपनी जगह बनाने के लिए जो ताकत मिलती है, मुझे नहीं सभी को मिलती है, आज चाहे वो शहरी क्षेत्र हो लेकिन शहरी क्षेत्र से ज़्यादा ग्रामीण परिवेश से आने वाले व्यक्तियों में हिम्मत और कुछ कर गुजरने की चाह ज़्यादा होती है और ख़ास तौर पर उत्तर प्रदेश से आने वाले व्यक्ति के लिए। तो वही एक कहेंगे कि एक ईमानदारी और काम करने की लगन, और अगर आप सही तरीके का काम कर रहे हो और आपको पता है कि आपका काम में कोई त्रुटि नहीं है, कोई कानूनी अड़चन नहीं है, और ईमानदारी का जो परसेंटेज होना चाहिए वो बहुत ज़्यादा होना चाहिए, तो वो आपका कॉन्फिडेंस आपका बढ़ा देता है। और मैं तो सभी को कहता हूँ, एल्मा के माध्यम से भी मेरे काफ़ी सेंटर हेड हैं पूरी दुनिया में, और एक वाकया है मुझे याद आता है कि आज से 4-5 साल पहले मैं मॉरिशस गया और मॉरिशस पोर्ट लुइस इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जब मैं उतरा तो मुझे जानने पहचानने वाला कोई भी नहीं था। और 7 दिन बाद जब मुझे छोड़ने आने वाले कम से कम 50 लोग थे, तो मैंने अपनी प्रतिभा तो नहीं कहूँगा लेकिन जो एक लोगों को जोड़ने की कला, और वो भी ऐसे देश में जहाँ पर हिंदी और अवधी तो बहुत कम बोली जाती है, डच बोली जाती है, फ्रेंच बोली जाती है, और मॉरिशस की जो लोकल लैंग्वेज है क्रियोल वो बोली जाती है, तब भी उन सबको अपने साथ जोड़ करके और अच्छे कामों के लिए प्रेरित कर दिया। वहाँ पर हमने एक स्कूल का संचालन करवाया, एक कंप्यूटर सेंटर का संचालन करवाया, और सबसे अच्छी बात है वो आज तक चल रहा है और वही लोग वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड के अंदर उन सब चीज़ों को आगे बढ़ा रहे हैं। मैं मॉरिशस का नाम इसलिए लिया क्योंकि मॉरिशस 100 किलोमीटर के रेडियस का एक द्वीप है और चारों तरफ समुद्र है, अगर कोई व्यक्ति सोचे भी तो उसको उसकी सोच का दायरा 100 किलोमीटर तक के अंदर सिमट के रह जाता है। जब वहाँ के लोग इस तरह से जुझारूपन के अंदर अपने कामों को अंजाम देते हैं तो हम तो भारत में रहते हैं, हमारे देश का क्षेत्रफल और हमारी संस्कृति तो हमेशा से यही रही है कि आप सब आगे बढ़ो और तरक्की करो और सबका भला करो अपने साथ। संतोष जी, क्या आपको लगता है, कई बार महसूस हमने किया है कि आप बहुत सहजता से सरलता से सब कुछ बता देते हैं जी, क्या आपको लगता है कि वो भी कमी है, कहीं ना कहीं डिप्लोमेटिक होना पड़ता है, लोग उसका मिसयूज कर जाते हैं? ये मेरे साथ सबसे बड़ी समस्या तो नहीं कहूंगा, ये मेरी ताकत है, मेरी सरलता और अपने बेबाकीपन जो मेरे अंदर है उसको मैं बता देता हूँ, और मेरे अंदर जो भी चल रहा होता, आज से नहीं
वो बचपन से है, और चूंकि ठीक है 20 सालों से पब्लिक फोरम पर और मंचों पर जाना का अवसर मिला और वो सब चीज़ें सामने आने लग गईं, और वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड के माध्यम से तो अब बड़े बड़े मंचों पर जाने का मौका मिलता है, पर वहाँ भी सब कुछ सरलता ही है। और मैं समझता हूँ सरलता ही हमारी ताकत है, क्योंकि दिखावटीपन और घुमा फिरा कर अपनी बातें को या अपने काम को दिखाना शायद मेरे अंदर है ही नहीं, तो कई जगह बड़ी परेशानी भी होती है, खास तौर पर बॉलीवुड में। बॉलीवुड में तो मुझे कई बार सजेशन बड़े बड़े लोग देते हैं कि नहीं आपको ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए, पर शोमैनशिप होना चाहिए। हाँ, शोमैन आपको प्रेसिडेंटशिप आपके अंदर होना चाहिए, पर वो मेरे अंदर नहीं होता है। मैं जहाँ रहता हूँ मेरे साथ वाले जितने भी साथी होते हैं उनको सबसे आगे करता हूँ और मैं सबसे पीछे रहता हूँ, और उसी के अंदर मुझे मज़ा आता है काम करने में। आगे रहने का मज़ा उन लोगों को है जो मेरे साथ काम कर रहे हैं, जो मेरे पीछे हैं, और मेरी शुरू से आदत यही रही है, चाहे अलमा हो चाहे वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड हो, अपनी टीम आगे और मैं पीछे से संचालन बखूबी उसको करता हूँ। ये सुनने में आता है कि आपका जो बचपन है वो बहुत बहुत ही मुफलिसी में बीता है जी, क्या ये सच है? वो मुफलिसी क्या थी और कैसे उससे उभर कर आज एक व्यक्ति जो है वो इंदौर के परदेशीपुरा में बैठकर वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड को संचालित कर रहा है, पूरी दुनिया में फैला रहा है? हाँ जी, अब अगर मैं इलाहाबाद के पास अगर मैं गांव की बात करूँ तो आज भी मेरे गांव के अंदर बिजली नहीं पहुँची है, आज के दिन तक भी। और जब इंदौर के अंदर मैं परदेशीपुरा की बात करता हूँ तो कभी कभी हंसी मजाक में ही बोल देता हूँ कि पूरे इंदौर में सबसे ज़्यादा चिट्ठियाँ विदेशों से भी और भारत से भी VIPs चिट्ठियाँ मेरे घर आती हैं, और वो मैं नहीं कहता, पोस्टमैन मेरा कहता है कि कभी राष्ट्रपति की आ रही, कभी प्रधानमंत्री की आ रही है, कभी एम्बेसी, अधिकतर 50-60 एम्बेसडर के लेटर्स आते हैं और वो भी परदेशीपुरा में आते हैं जी। ये बड़े सोचने वाली बात होती, कई जगह कमेंट्स भी हो जाते हैं कि भाई परदेशीपुरा में ऑफिस है, तो हाँ ऑफिस है तो है, लेकिन बखूबी से ऑफिस कहीं भी हो किसी भी जगह पर हो उसका कार्य अच्छा होना चाहिए, उसकी सोच अच्छी होनी चाहिए, और वो सोच भारत ही नहीं एशिया ही नहीं धीरे धीरे पूरी दुनिया में फैल रही है। और हमें अभी आपको बता दूं कि मैं अलास्का में भी एक रिकॉर्ड बनाने जा रहा हूँ। अभी हमने हमारे IRS ऑफिसर मिस्टर गिरी जो अटलांटिक में रहकर आए और उनका रिकॉर्ड हमने बनाया, तो आर्कटिक अटलांटिक तक के रिकॉर्ड हम बना रहे हैं, अलास्का के बना रहे हैं, तो दुनिया में फिर बचता क्या है? जब अलास्का और अटलांटिक आर्कटिक और माउंट एवरेस्ट की चोटी का रिकॉर्ड हम बना रहे हैं तो मैं समझता हूँ कि फिर चीज़ें बड़ी आसान हो जाती हैं सब कुछ। मैं इस यहाँ पर बात करना चाहूँगा कि आप दुनिया भर में जाते हैं, लोगों को जोड़ते हैं, लेकिन इस जोड़ने के पीछे क्या, कैसे जोड़ते हैं? क्योंकि ये तो एक आर्ट है जो हर व्यक्ति जानना चाहता है कि संतोष शुक्ला जो है वो आखिर कैसे लोगों को जोड़ लेते हैं, पूरी दुनिया में अपना नेटवर्क कैसे फैला लेते हैं, क्या कोई इसका कोई गूढ़ मंत्र है? मंत्र तो यही है, आपकी सरलता है, आपका मन साफ होना चाहिए। आप जब किसी से मिलते हो तो आप उससे कोई अपेक्षा नहीं होनी चाहिए, और भले ही आपका कितना भी काम रुक रहा हो लेकिन अपेक्षा बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। इसी वजह से हिंदुस्तान में काफ़ी परिवार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और इंग्लैंड के अंदर हमारे साथ वीरेंद्र शर्मा जी, डॉक्टर दिवाकर शुक्ल जी, इसी तरीके से डॉक्टर आज़ाद कौशिक जी कनाडा में हैं, और अमेरिका में काफ़ी हैं, उत्तरी अमेरिका में काफ़ी हैं, ऑस्ट्रेलिया में काफ़ी हैं, और अफ्रीका कहें कहीं पर भी है। मैं तो रशियंस को जोड़ने में लगा हूँ, आज भी हमारा बेलारस में प्रोग्राम होने वाला है और रशियंस जुड़ रहे हैं, और मैं तो सोचता हूँ कि जल्दी जल्दी चाइनीज़ भी जुड़ते चले जाएँ, तो एक परिवार बनता चला जा रहा है, और वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड अपनी अच्छी सोच के साथ आगे बढ़ रहा है, और आप सबका स्नेह है जो उसे आगे बढ़ा रहा है, और कोशिश हमारी यही है कि हम सब अच्छा काम करते जाएं और अच्छे लोगों को सही दिशा की तरफ बढ़ाते जाएं, और यूं ही ये लगातार आगे बढ़ते जाएं, हम रहें या ना रहें, लेकिन वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड के माध्यम से आने वाली पीढ़ियाँ उन सब कामों को आगे बढ़ाते चलें। और हम तो देखते हैं यूनाइटेड नेशंस की तरफ, यूएन ने 193 देश 193 अभी रजिस्टर्ड किए हैं, तो हम वहाँ तक तो मेरे ही कार्यकाल में हम पहुँच जाएंगे, उसके बाद की पीढ़ियाँ फिर आगे का काम संभालेंगी। विकिपीडिया ने भी रिकग्नाइज कर लिया है, अपने आप में एक बड़ा अचीवमेंट होता है किसी संस्था के लिए, बहुत जल्दी कर लिया है, इसके पीछे आपको क्या कोई अप्रोच आपने किया या किसी और कारण से विकिपीडिया पर आप जो है वो अधिकृत हो? वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में विकिपीडिया को और बहुत से, मैंने सबसे पहले ये किया जब मेरे पास कार्यकाल आया
तो मैंने 193 देश 193 यूएन में रजिस्टर्ड देश में जितनी भी मैगजीन्स होती हैं, जितने भी अखबार होते हैं, इनके चीफ एडिटर और एडिटर के मेल आईडीज लिए और वो कलेक्शन मेरे पास लगभग 25,000 से 30,000 मेल आईडीज का हो गया। और अगर मैं कोई भी रिकॉर्ड बनाता था, चाहे वो आसपास के किसी छोटे से छोटा बच्चे का क्यों ना हो, उसकी खबर मैं पूरी दुनिया में मेल के द्वारा दे देता था। और मुझे रिकॉर्ड पाकिस्तान से भी न्यूज़ की कटिंग आ जाती थी, रसिया से आ जाती थी, कोरिया से आ जाती थी, और फिर मैं उस बच्चे जो भी रिकॉर्ड होल्डर होता था उसको मैं भेजता था। अभी जैसे मैं कपिल शर्मा जी की बात करूं, तो मैंने उनको कहा कि बहुत ही जल्दी मैं आपको एक फाइल देने वाला हूं। तो उन्होंने कहा, क्या शुक्ला जी, क्या फाइल देने वाले हो? मैंने कहा, आप तो अभी इंडिया और एशियन कंट्रीज़ के अंदर हम लोग आपको देखते हैं, मैं आपको ऐसी न्यूज़ दूंगा जो आपको बहुत ही दूर दराज अखबारों में छपी होंगी आपके बारे में। और वो फाइल अभी भी, अगर हम आज भी आप अगर लोग गूगल पर लिंक देखेंगे तो 200 बड़े बड़े अखबारों की लिंक उस पर आ चुकी हैं। और वो इसलिए आ चुकी हैं कि प्रतिभा कपिल शर्मा की है, लेकिन वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड की सच्चाई और ईमानदारी के साथ उन सब चीज़ों का जो तालमेल है वो इन सब चीज़ों को आगे बढ़ा रहा है। और विकिपीडिया को भी हम सारी जानकारी 8 महीने पहले से देते थे। हमने कभी SEO नहीं किया, किसी भी नाम को या किसी भी वेबसाइट को आगे रखने के लिए SEO का सहारा लिया जाता है, लेकिन हमने कभी SEO नहीं किया। जैसा जो चल रहा है, मैं पूछने वाला था कि सोशल मीडिया को क्या आपने किस तरह से उपयोग किया है? मैंने कभी भी सोशल मीडिया का उपयोग केवल अपनी जानकारी देने के लिए किया, और SEO आप समझ गए होंगे कि सोशल मीडिया और SEO का उपयोग हमने बिल्कुल नहीं किया। बिना SEO और सोशल मीडिया के विकिपीडिया, आज के ही दिन विकिपीडिया ने उसको ओके किया है और एक दो दिन के अंदर वो लाइव हो जाएगा। आप अपनी सफलता के लिए अपनी टीम को कितना जिम्मेदार मानते हैं, कितना शेयर देते हैं? सफलता का तो अभी शुरुआत है, सफलता तो अभी फिलहाल तो मैं वो सफलता वाली बात नहीं करूंगा, लेकिन इसके अंदर रास्ता दिखाने का काम मेरा होता है और मेरा भी नहीं होता है, मेरे ऊपर डॉक्टर दिवाकर शुक्ल जी हैं, वीरेंद्र शर्मा जी हैं, प्रोफेसर राजीव शर्मा जी हैं, मेरी टीम है, और वो टीम सबसे पहले आगे होती है। मैंने पहले भी बताया कि मैं अपनी टीम को सबसे आगे रखता हूँ और मैं पीछे रहता हूँ, और पीछे भी रहकर मैं सिर्फ अपनी गलतियाँ देखता हूँ। सफलता पर मेरा ध्यान नहीं जाता, सफलता को एंजॉय मेरी टीम करे, गलतियों पर मेरा ध्यान जाता है कि अगली बार हम उसको दुरुस्त करेंगे। संतोष जी, आप अवार्ड देते हैं तो ये व्यक्तिगत उपलब्धि होती है किसी व्यक्ति की, उसको उसे अच्छा लगता है, लेकिन वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड के अलावा क्या कुछ सोशल जिम्मेदारियां भी, आप सामाजिक जिम्मेदारियां भी आप निभा रहे हैं? जी, अगर सामाजिक जिम्मेदारी की बात करूं तो जब मैं इंदौर में आया तो पंडित विष्णु प्रसाद शुक्ला जी के माध्यम से काफ़ी सामाजिक क्षेत्र में मैं आज तक जुड़ा हुआ हूं, चाहे वो सामूहिक विवाह हो या अनाथ आश्रम हो। रामेश्वर त्रिवेदी जी का अनाथ आश्रम आपने इंदौर में जानकारी होगी, कोठारी मार्केट के पास, उस संस्था से मैं 20 सालों से जुड़ा हुआ हूँ। और दुनिया में दिल्ली के अंदर या जहाँ भी जाता हूँ, लोग मेरे नेचर को देखते हुए मुझे सबसे पहले उसी जगह ले जाते हैं जहाँ हमें ज़रूरत होती है। तो अनाथ आश्रम, वृद्धाश्रम और सामूहिक विवाह वाले जैसे कार्यक्रम को करते हुए मैं काफ़ी, जो भी मुझसे हो सकता है मैं करता हूँ। और अभी भी मेरे कामों को देखते हुए भी आज ही अभी गवर्नर मैडम के यहाँ से मैसेज आया कि गांधी जी का सत्य का प्रयोग की 1,000 किताबें राजभवन भिजवा दो। और ये अच्छा इसलिए लगता है कि कम से कम जो लोग समाज के अंदर वरिष्ठ हैं वो मुझे उस काबिल समझते तो हैं कि आज मांग भी रहे तो गांधी जी का सत्य का प्रयोग, मुझे पता है कि वो किसी न किसी बच्चों के हाथ में जाएगी। तो वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड इल्मा के माध्यम से मुझसे इस तरह के जो काम होते हैं, खासतौर पर शिक्षा से संबंधित, जो किताबें हों, पेन हो, मैंने अपनी ज़िंदगी में शायद किताब और पेन के अलावा कभी किसी को कुछ नहीं दिया, और ज़िंदगी भर किताब पेन ही देता हूँ, और उसमें मुझे भी खुशी मिलती है और सामने वाले भी उसको पढ़ते हैं। ऑटोबायोग्राफी देने का शौक मुझे 20 सालों से रहा है जी। और पढ़ने का भी रहा है और देने का भी रहा है, और मैं सब कुछ यही देता हूँ।